दोस्तों हमें थोड़ा अपडेट देना था इनका फीडिंग का, हमारी जो पंगासियस और साथ में इसी टैंक में आपको दिखाया था हमने कि आईएमसी भी डाल रखी है हमने, तो आईएमसी भी अच्छी तरह पल रही है और इसी में हमने 1500 पीस पंगासियस भी डाल दिया है। ठीक है, तो वो देखिए पंगासियस के बच्चे किस तरह से अपना चंचल हैं और हमारी आवाज़ सुनते ही उन्होंने पूरा अपना दिखाना शुरू कर दिया कि हमें खाना चाहिए खाना चाहिए, है ना। अभी हमारे पास थोड़ा सा ये ग्रास भी इसमें है तो उनको खिलाने के लिए डक बिट था नहीं, तो वो पत्ता डाल रखा है हमने, पता नहीं अभी खाएगी कि नहीं खाएगी, तो अभी देखते हैं एक दो दिन में डक बिट का इंतजाम करते हैं। ये देखिए हमने ये खाना दे रहे हैं इनको पंगासियस को, तो दिखाना था वही कि देखिए ये फीडिंग कैसे ले रही हैं। अभी देखिए इन्होंने आ गई सब और दाना खाने ना शुरू कर दिया है। देखिए देखिए कैसे वो खाना खा रही हैं। अभी तो खैर ये छोटे बच्चे हैं, तकरीबन 10 ग्राम के आसपास हुए होंगे, 10-12 ग्राम के होंगे शायद, हमने डाला था तो उस टाइम तो छोटे छोटे थे ये, अभी इनको डाले हुए 10-12 दिन हो गया है। तो अभी तो देखिए किस तरीके से ये खाना खा रही हैं हमारी पंगासियस। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि इस टैंक में हमारी आईएमसी भी हैं और हर तरीके की मछलियां हैं इसमें, कुछ कोई भी हैं, कुछ हमने इसमें सोल भी डाल रखी है जो जिसको स्नेक हेड कहते हैं वो भी हैं, तो अब उनको अलग अलग दाना हमें इसी टैंक में डालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अभी दो तरह का दाना है हमारे पास, एक ये दाना अब दूसरा पड़ रहा है, पहले तो हमने 1 mm डाल दिया, अभी 2 mm का दाना डाल रहे हैं, थोड़ा किनारे किनारे इधर इधर की साइड खाती है ये। हाँ, तो आईएमसी है हमारी, एक जगह उन्होंने बना रखा है कि उधर ही वो आकर खाना खाती है, देखिए अब उनके लिए वहाँ डाला जा रहा है, तो वहाँ पर वो तसल्ली से अपना खाना खाएगी अपना, वो रात ये तो शाम का टाइम है तो धीरे धीरे खाना खाती है, वो सामने दिखती नहीं है खाना खाते हुए। उधर पत्ता भी थोड़ा सा डाल रखा है हमने कि वो खाएंगे तो खाएंगे। हमारा डकवीट जो है इतनी स्पीड से इन्होंने खाया है, कोई तो ज़्यादा मछली इसमें नहीं है, मुझे लग रहा है 50-60 ग्रास होगी, लेकिन इतना ज़्यादा डकवीट खा रही है ये कि इनके लिए हमारा उगाना मुश्किल हो रहा है। हम अब इधर ऊपर उगाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा, अभी हमारे पास डकवीट ये थोड़ा सा ही रह गया है देखिए, तो इतने में कितना खिलाया जाए इनको। अभी हम थोड़ा सा और जगह हमारे पास है इधर इधर खाली करेंगे इधर ऊपर की साइड में, तो इधर हम और उगाएंगे, अभी इनके लिए बहुत ज़्यादा खा रही हैं। देखिए किस तरीके से ये खाना खा रही हैं, और ये 1500 पीस हैं, लगभग आधा किलो दाना इनको 500 ग्राम दाना पर डे ये लोग खा रही हैं। उधर थोड़ा नज़दीक से घूम के दिखाता हूँ, और हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा एरेशन नहीं दिया हुआ है, ये 25,000 लीटर का टैंक है और एरेशन के नाम पर हमने सिर्फ 10 पॉइंट लगाए हैं, देख रहे होंगे आप, और इधर एक एयरलिफ्ट भी लगा रखा है, ये देखिए एयरलिफ्ट कैसे हमारा काम कर रहा है, क्योंकि तो पंप अभी हमने बहुत छोटा लगा रखा है इस वजह से हम ज़्यादा ऊंचाई नहीं कर सकते इसका, तो फिर भी इसके वजह से बहुत फ़ायदा है। ये एक एयर लिफ्ट आपके ये 3 पॉइंट जो खोल रहे हैं 3 पॉइंटों के बराबर काम कर रहा है, उतना एरेशन ये अकेले दे देता है, तो इस तरीके से। बाकी फ्लोक तो नज़र नहीं आएगा शायद आपको, लेकिन फिर भी मैं नज़दीक कर देता हूँ, हो सकता है आपको कुछ नज़र आ जाए। देखिए अभी इस टाइम रोशनी भी नहीं है, हो सकता है आपको फ्लोक थोड़ा बहुत दिखे, नज़दीक मैंने कर दिया है दिख जाए तो देख लीजिएगा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, तो वैसे मैं चश्मे वाला हूँ, चश्मे वालों को नज़र नहीं आता है, और इधर भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ भी अगर यहाँ थोड़ा शांत है मामला, तो इधर अगर फ्लोक आपको नज़र आ जाए तो देख लीजिएगा, दिन में तो काफ़ी फ्लोक नज़र आता है। देखिए ये टैंक उधर हमारा वो एयरलिफ्ट चल रहा है, और
ठीक है, यही हमारा अपडेट था, वो आपको देना था। अभी तक वो मछलियाँ भिड़ी हुई हैं खाने पर, और देखिए ये थोड़ा सा हमने इसमें राइस ब्रान दिया है हल्का सा, तो ये भी ये खाती हैं, है ना। ये बच्चे बड़े चाव से खाते हैं इनको, देखिए देखिए कैसे आ गए खाने के लिए। ओके।